अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। सो आज आपकी हिंदी की क्लासेस के अंदर हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7, उसका नाम है रसोई घर। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो क्लास, दिस इज योर न्यू चैप्टर नेम्ड रसोई घर, ठीक है ना। चैप्टर 7 रसोई घर। रसोई घर बोलते हैं किचन को। आप सभी के घर में किचन होगा जहाँ पर खाना बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये उसी से रिलेटेड चैप्टर है। पोयम है, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे सारे बच्चे। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांसी हूँ मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर ताली। मुझने रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। ठीक, तो ये छोटी सी आपकी पोयम है जिसके अंदर तीन छोटे छोटे से जो हैं बंद है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी जो ये पोयम कंप्लीट होती है, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक। यस, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और काम, जैसे कि आपके हर चैप्टर में कोई ना कोई नया लेटर इंट्रोड्यूस होता है। इसके अंदर आपके जो लेटर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो है घ, घ से घर आता है, घ से घड़े आते हैं, ठीक है ना। था से थर्मस, था से थाली, चा चा से चश्मा, चा से चम्मच। यहाँ पर आपका जा, अब देखिए जा कौन सा वर्ड होता है, जैसे कि आपने बनाया ये होता है जा, जा से जग, जा से जहाज। लेकिन अगर हमें हिंदी के अंदर जा वर्ड लिखना है, यानी जेड का यूज़ जो करते हैं हम, या उर्दू वाले जैसे जो कोई वर्ड लिखते हैं हिंदी में लिखने के लिए, हम जा बनाकर उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो उसकी साउंड जो है वो जग की हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी में इसके लिए एक अलग लेटर नहीं है, बस जा बनाकर उसके नीचे बिंदी लगाने से उसकी साउंड जेड की यानी जग की हो जाएगी। उसके बाद आपका ओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं चाकू हूँ, देख सकते हैं हमें पिक्चर बनी हुई है नाइफ की, ठीक है ना। तो ये चाकू है। मैं सब्जी, तो यहाँ पर आपको लिखना है काटता हूँ, तो ये चाकू ही सब्जी काटने के काम आता है। तो आपको क्या लिखना है, इसके काम लिखने हैं। मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ। नेक्स्ट है आपका हम चकला बेलन है, देख सकते हैं हमें पिक्चर में चकला और बेलन बना हुआ है, ठीक। हम चकला बेलन है, हम रोटी बेलते हैं। आपकी मम्मी जब रोटी बनाती होंगी इसका यूज करती होंगी ना, तो ये उसी वही लिखा हुआ है। अब उसके बाद है आपका मैं ब्लैंक हूँ। यहाँ पर देखिए आप ये क्या चीज़ बनी हुई है, छलनी बनी हुई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर छलनी लिख देंगे। मैं छलनी हूँ, मैं छानती हूँ। क्या छानती है, अब देखिए एक तो छलनी होती है जो आटा छानती है, थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन छोटी वाली तो ये चाय छानने के काम आती है, ठीक है ना। इसके बाद है आपका मैं ब्लैंक हूँ। यहाँ पर देखिए थाली बनी हुई, तो यहाँ लिख देंगे आप थाली। मैं थाली हूँ, मुझ में ब्लैंक खाओ। थाली में क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक। ऐसे ही लास्ट में पीलर बना हुआ है, पीलर को बोलते हैं छीलनी, ठीक, जिससे छिलका उतारा जाता है। मैं छीलनी हूँ, मुझसे छिलका छीलो है, मुझसे छिलका उतारो, ठीक। तो यहाँ पर आपकी जो ये फिनिश होते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका सही गलत, ठीक। सही गलत में क्या है, रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। तो आपको क्या करना है, जो हमने लास्ट चैप्टर की वीडियो के अंदर एक किचन की पिक्चर देखी थी ना, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे रखी हुई, ठीक। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट लिखा है पतीला चूल्हे के नीचे है, पतीला चूल्हे के नीचे है, यानी हमें उस फर्स्ट वाली पिक्चर में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक। चलते हैं उस पिक्चर की तरफ। यस, देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, चूल्हे के ऊपर पतीला रखा है ना कि नीचे, ठीक। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो आप उसको क्रॉस कर देंगे। फिर नेक्स्ट है आपकी चूहा अंगीठी के अंदर है। इसके लिए हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि चूहा अंगीठी के अंदर है या नहीं, ठीक। यस, तो देखिए ये रहा चूहा जो कि अंगीठी के अंदर है, ठीक। यस, देयर इज अ रेड। तो ये जो है आपका अंगीठी के अंदर, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है, तो आप उसे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर टिक किया हुआ है। नेक्स्ट आपका टोकरी में आम रखे हैं तो गलत है, वहाँ पर टोकरी में सब्जियाँ रखी, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्रॉस, इसमें आप क्रॉस कर देंगे। अक्षय चावल पीन रहा है, जीवल छोटा बच्चा है वो चावल पीन रहा है, ये ठीक हो जाएगा आपका। माँ खाना बना रही है, ये भी सही है, माँ जो है वो खाना बना रही है। आले में लाल ट्रेन रखिए, जी आले में लाल ट्रेन रखिए, आला यानी कि दाग जो जहाँ पर लैंडन को रखा जाता है। दादी किताब पढ़ रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि दादी जो है वो किताब नहीं पढ़ रही है, वो आईना देख रही है, ठीक।
नेक्स्ट लास्ट वन आपकी सुहानी खिड़की से झांक रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। सुहानी जो है वो कैट है जो कि विंडो से झांक रही है अंदर। ठीक, इसके बाद है आपका काम ही काम। यहाँ क्या काम हो रहा है, गोला लगा। आप देखिए यहाँ पर एक लेडी जो है वो कुछ आई थिंक फ्राई कर रही है, ठीक है ना। इसके यहाँ पर उन्होंने तीन ऑप्शन दिए, सेकना, बेलना या तलना। अब देखिए सेकना तो होता है जिसे जैसे डायरेक्ट जो आग के अंदर डालकर सेका जाता है, जैसे कि कोई भी जैसे रोटी को जब बाद में आग में डालकर सेका जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेलना, बेलने के लिए चकले बेलने की जो कि नहीं कर रही लेडी, ठीक है। लास्ट में तलना, तो ये लेडी फ्राई कर रही है। आप देख सकते हैं इसके स्पून में पूरी है और शायद इसको फ्राइंग पैन में ऑयल भी है, ठीक है ना। तो ये फ्राई कर रही है, फ्राई करने को बोलते हैं तलना। तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, सर्कल लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किन से काटोगे। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ पिक्चर्स दी हुई है, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से किन किन चीजों से काटा जाएगा, ठीक। अब आपकी फर्स्ट पिक्चर है चाकू, नेक्स्ट मैंने सिलबट्टा, छीलनी, पेंसिल, दाव, कैंची, हथौड़ा, गुलेल, ढक्कन, ठीक है ना। अब इनमें कुछ चीजें तो काटने के लिए इस्तेमाल होती है लेकिन कुछ चीजें नहीं इस्तेमाल होती, तो मैंने उन चीजों के ऊपर सर्कल लगा दिया जो काटने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे चाकू, चाकू से काटा जाता है, ठीक है ना। जो पेंसिल होता है इससे यूपी की साइड में जो है सब्जियों को काटा जाता है, ठीक। और जो दाव है ये भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे गन्ने वगैरह मतलब हार्ड चीज़ें काटी जाती हैं। और ये जो दाव है इससे भी जो है वेजिटेबल्स को छोटी मोटी चीज़ों को काटा जाता है, बांस वगैरह को काटा जाता है, ठीक। सिलबट्टे से तो काटा कुछ नहीं जाता, सिलबट्टे से पीसा जाता है। और छीलनी जो है वो शार्प करने के लिए यूज़ होती है, छीलने के लिए। कैंची, कैंची से कपड़े वगैरह, कागज़ वगैरह ऐसी चीज़ें काटी जाती हैं। हथौड़ा यूज़ नहीं होता काटने के लिए, गुलेल भी यूज़ नहीं होती है, ढक्कन भी यूज़ नहीं होता। तो ये चार चीज़ें थी जो कि काटने के लिए यूज़ होती हैं, इनके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया। इसके बाद है आपका किससे क्या काटोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कपड़ा बना हुआ है, आम बना हुआ है, रस्सी, सेब, गन्ना, कागज, बैंगन। इसके अंदर आप किस चीज़ से क्या चीज़ काटोगे, जैसे कि हर चीज़ तो जो है आपके कैंची से नहीं काटी जा सकती और हर चीज़ चाकू से नहीं काटी जा सकती। तो यहाँ पर उन्होंने हमें दो ही ऑप्शन दिए हैं। आपका पहला ऑप्शन है कैंची से, दूसरा है चाकू से। आप कैंची से काटने वाली चीज़ों में क्या है आपका, फर्स्ट जो है आपका कपड़ा वो कैंची से काटा जाएगा, ठीक है ना। कपड़े को चाकू से नहीं काटते हम। नेक्स्ट आपकी पिक्चर है बैंगन की, बैंगन को कैंची से नहीं काटते, बैंगन जो एक वेजिटेबल है उसको हम चाकू से काटते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, चाकू वाली कॉलम में जो बैंगन को लिख देंगे। नेक्स्ट आपका कागज, कागज को भी चाकू से नहीं काटा जा सकता, तो आप इसको कैंची वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद आम, आम जो है आपको चाकू से काटा जाता है, आप इसको चाकू वाले कॉलम में लिख देंगे। इस तरीके से जो चीज़ जिस चीज़ से काटी जाती है आप उसको उस वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आपको डॉट्स को जोड़कर जो है इस पिक्चर को कंप्लीट करना है, जिसको कि मैंने पहले कंप्लीट कर रखा है, ठीक। ये एक एलिफेंट की खाती की पिक्चर है, इन डॉट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका एलिफेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका लिखा हुआ है, जब आपका ये कंप्लीट हो गया तो आपसे जो ये छोटी सी किटन है ये कह रही है शाबाश, अब चित्र में कोई रंग भरो। आपको क्या करना है, पिक्चर के अंदर कलर करना है। तो ये जो आपने एलिफेंट को कंप्लीट करा है, इसके अंदर फिर आपको कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर कलर करना है। तो यहाँ पर जो है आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है। और जिसका एक्सरसाइज बुक वर्क है वो आपको बुक में ही करना है, बाकी जो आपको नोटबुक वर्क है वो मैं आपको बता रही हूँ। यस क्लास, तो आपका नोटबुक वर्क है, ठीक है ना। तो आपको फर्स्टली तो रीडिंग के बाद राइटिंग करनी है अपनी नोटबुक में, उसके बाद आपको क्या करना है, डिक्टेशन करना है। राइटिंग एंड डिक्टेशन होने के बाद अब आपको इसके अंदर 10-10 शब्द लिखने हैं, 10-10 वर्ड्स लिखने हैं। किसके, आ की मात्रा के, ई की मात्रा के और ई की मात्रा के, ये तीनों ही मात्राएं मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, इन मात्राओं के 10-10 शब्द लिखने हैं अपनी नोटबुक में। यहाँ पर जो है आपका ये नोटबुक वर्क भी कंप्लीट होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।